कुल्लू एवं लाहौल स्पीति पूर्व सैनिक कल्याण संघ के चेयरमैन ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर बहुत पहले से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा सरकार को ये सुझाव दिया गया था कि सेना में यंग सेना भर्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी के सुझावों को नहीं माना, लेकिन अब जिस प्रकार से सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है उसमें काफी त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि आज भी सेना में सैनिक जवान की आयु 31 वर्ष निर्धारित की है, ऐसे में अब जहां 26 वर्ष की बात की जा रही है तो वहीं 31 वर्ष में भी एक युवा सीमा पर लड़ने के लिए सक्षम होता है। उन्होंने कहा हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, ऐसे में सरकार को सैनिकों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए ताकि देश की आन बान शान हमारी सीमाएं सुरक्षित हो सके। ये अग्निपथ योजना के बारे में बहुत पहले से इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो एक कमेटी जो है वो कारगिल कमेटी जो है वो संगठित की थी और जो कारगिल कमेटी ने उन्होंने सुझाव दिया था कि ये अग्निपथ योजना जो है वो 7-8 साल के लिए हो और उसमें जो है जो 25% 4 साल के बाद जो है वो 25% जो उनको रेगुलर में लिया जाए और बाकी 75% जो है उनको जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स में उनको एब्जॉर्ब किया जाए। ये उनकी मतलब सुझाव था, लेकिन इसको प्रेजेंटली मतलब कि भारत सरकार ने इसको नहीं माना और आनन फानन में उन्होंने जो है वो 4 साल की जो है अग्निपथ योजना जो है उसको उन्होंने चलाया है, लेकिन इसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं। आपको मालूम है कि 6 महीने में जो है एक सैनिक जो है पूरा जो है पक्का नहीं हो सकता है और उसमें 4 साल में जो है 4 महीने की छुट्टी होती, फिर उसमें जो कैजुअली भी होती है, तो इस प्रकार से वो उसको कोई मोटिवेशन नहीं होगा। जैसे आर्मी में होता है कि नाम नमक निशान, एक रेजिमेंट में जा कर के उसको मोटिवेट किया जाता है कि आपने जो है बार क्राई जो है वो जब लड़ाई में जाता है वो बार क्राई करके वहाँ पर जाता है, उससे जो है दुश्मनों का जो है वो जो उसका जो हौसला जो है वो उनको उनको मात दी जाती है। वो तो यहाँ पर है नहीं है, ना इस प्रेजेंट योजना में, ना इसमें जो रैंक है, ना इसमें पेंशन है। अगर हमारे सैनिक को पेंशन नहीं है और उनको इंश्योरेंस भी नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होगी, उनको कंटिन्यू सर्विस भी नहीं मिलेगी, तो वो सैनिक जो है वो किस प्रकार से जो है वो देश के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेगा। वो तो यही सोचेगा कि भाई मैं तो देश के लिए काम आ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो फैमिली है, हमारे जो बच्चे हैं वो रोड में आएंगे, तो उनका जो मनोबल जो है उतना बड़ा नहीं होगा और हमारी सेना जो है वो एक प्रकार से लंगड़ी हो जाएगी। हमारी आर्मी जो है लंगड़ी हो जाएगी, कमजोर होगी, तो हम देश में गड़बड़ी हो जाएगी। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाइना से, पाकिस्तान से, हम कैसे जो हमारा जो सैनिक है उनकी उनका मोटिवेशन जो लेवल जो है उनका हौसला जो वो कम होगा। आज के दिन में भी जम्मू कश्मीर में रोजाना जो हमारा सैनिक जो है वहां पर शहीद होता है, तो अगर वो 4 साल के जो लोग अगर वो बाद में 2030 तक वो पूरे हो जाएंगे तो वो किस मोटिवेशन से वहां पर लड़ाई लड़ेंगे, और इसलिए जो दुश्मन से वो हम पर हावी होगा और हमारे लिए वो ये नुकसान होगा। तो मेरे तो हमारा तो यही है सरकार से जो है वो हमारी सुजेशन है कि हमारे सैनिक को जो है ना वो उनका मोटिवेशन और उनको जो है वो इंश्योरेंस उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान दिया जाए और उनके पेंशनेबल होनी चाहिए। अगर पेंशनेबल नहीं है तो उनको जो है वो 4 साल के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको एब्जॉर्ब किया जाए, जो 75% जो है वो जो भार निकलेंगे।